नमस्कार दोस्तों, जेल प्रहरी भर्ती के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो इसमें आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बात करते हैं विज्ञप्ति की। यहाँ पे टोटली 670 पद पे ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप 26/7/2018 से 16/8/2018 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है कि कौन से मंडल के अंदर कितने पद खाली है। तो यहाँ पे जयपुर मंडल के अंदर सबसे अधिक पद खाली दिए हुए हैं, 134, टोटली 670 पद हैं। यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया बताई गई है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जाति व जनजाति SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 400 रुपये और अन्य समस्त आवेदकों हेतु यहाँ पे 500 रुपये रखे गए हैं, यानी OBC जनरल के यहाँ पे 500 रुपये लगेंगे। नोट दिया हुआ है यहाँ पे, ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित शुल्क 25 रुपये, ₹20 आवेदन पत्र भरने हेतु ₹5 शुल्क जमा कराने हेतु अतिरिक्त रूप से तय होगा। तो यानी आपको ₹25 अलग से ई मित्र वाले को देने होंगे, 400 के अलावा या 500 के अलावा। आगे है लिखित परीक्षा का आयोजन। तो लिखित परीक्षा का जो आयोजन है वो सितंबर या अक्टूबर के मध्य आयोजित की जाएगी 2018 में। और जो लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र हैं उनके लिए आपसे अलग से सूचना दे दी जाएगी। यहाँ पे आरक्षण से संबंधित कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इसके बाद वेतनमान, तो वेतनमान आपका 12,800 रहेगा शुरुआत के अंदर, शुरुआती 2 वर्षों के लिए। इसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्य साधक ज्ञान व राजस्थानी भाषा व संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। यहाँ पे दृष्टि से संबंधित कुछ बातें दी गई। तो आयु सीमा को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों में सस्पेंस था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी 1/1/2019 को 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए और 26 वर्ष की आयु का से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो SC/ST अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, लेकिन शर्त आएगी कि वो राजस्थान का निवासी हो तभी उनको छूट मिलेगी। इसके बाद राष्ट्रीयता, अगर आप भारत, नेपाल, भूटान के नागरिक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको चरित्र नियम 17 के अंतर्गत सेवा में भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए उसे सेवा में नियोजित के लिए अहित करें। और इसके बाद यहाँ पे चयन प्रक्रिया दी हुई है, तो इसके अंदर आप टोटली 500 नंबर होंगे, जो आप लिखित परीक्षा में 400 और शारीरिक दक्षता के आपको 100 अंक मिलेंगे। लिखित परीक्षा के बारे में जानकारियां दी गई है। कारागार विभाग द्वारा निर्धारित तिथि व परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है, इसकी अवधि रहेगी 2 घंटे। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें भाग ए के अंदर आपके विवेचना व तार्किक योग्यता के प्रश्नों से संबंधित 180 अंक का, भाग ब सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर 100 अंक का, तथा भाग स राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि विषयों पर आधारित 120 अंकों का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अंक दिए जा रहे हैं वो भाग ए के अंदर विवेचना व तार्किक योग्यता रीजनिंग के अंदर आपको 180 अंक का पार्ट है। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जाएगा। तो यानी जो 1/4 है वो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम आपको 36% अंक तो प्राप्त करने ही होंगे, तभी आप इसमें उत्तीर्ण हो पाएंगे। और यहाँ पे शारीरिक मापतोल से संबंधित कुछ बातें दी गई है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे देखें तो ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 81 और फुलाने पर 86 होना चाहिए, सीने का जो कम से कम फुला आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे ऊंचाई 152 और वजन होना चाहिए 47.5 ग्राम, न्यूनतम इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी दक्षता परीक्षा के अंदर शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी
उसमें पुरुष अभ्यर्थी को 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी, इसके लिए अधिकतम आपको 25 मिनट, और महिला अभ्यर्थी को 5 किलोमीटर की दौड़ और उसके लिए आपको अधिकतम 35 मिनट मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ अन्य निर्देश दिए हुए हैं, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।